शांति शांति शांति। आइए मेरे सत्संग में, आज के सत्संग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे साथ सभी मिलकर के भगवान को प्रणाम कीजिए, जिनका हम अन्न खाते हैं, जल पीते हैं, सांस लेते हैं हवा, सभी तो उनका है। प्रणाम कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उक्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। शांति शांति शांति। आज के सत्संग में विशेष करके श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को तीन गुणों की विशेषता बतलाई है। ये तीन गुण जो सतगुण रजोगुण तमगुण नाम से जाने गए हैं, इन्हें और इनके प्रभाव को पूरी तरह से खुलासा किया है। अर्जुन ने प्रश्न किया है, ये भागवत गीता श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय में अर्जुन का प्रश्न है। पहला ही श्लोक है, संन्यास महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, त्यागश्च च ऋषिकेश पृथक् केशनी सुदना। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को दो नामों से इस श्लोक में संबोधित किया है। पहले कहा है ऋषिकेश, जो मास्टर ऑफ सेंसेस, सभी संसार की इंद्रियों को तृप्त कर सकते हैं, ऐसे भगवान मास्टर ऑफ ऑल सेंसेस, जो सभी तमाम ब्रह्मांडों के कंट्रोलर हैं, उनको ऋषिकेश कहके संबोधित किया है। और दूसरा नाम यहाँ पर पुकारा है अर्जुन ने, केशी सुदना, केशी असुदना, केशी निसुदना, केशी केशी निसुदना। निसुदना मानी उद्धार करने वाले, केशी नाम के असुर का उद्धार भगवान ने किया था, इसलिए अर्जुन ने यहाँ ऐसे संबोधित नहीं किया कि केशी राक्षस को मारने वाले नहीं, निशोधना यानी उद्धार करने वाले, केशी राक्षस के उद्धार करने वाले, मेरा भी उद्धार कीजिए, अतः मुझे समझाइए संन्यास और त्याग के विषय में, मैं जानना चाहता हूँ, इन्हें अलग अलग करके मुझे समझाइए। हे केशी सुदन, हे ऋषिकेश, हे माधव, हे गोविंद। संन्यास महाबाहो, महाबाहो भी भगवान को कहा है, लंबी भुजाओं वाले, भगवान से बड़ी भुजाएं किसकी होंगी आखिर, भगवान की इतनी लंबी भुजाएं शायद किसी की ना, क्योंकि तमाम अनंत में उनकी भुजाएं फैली हुई है। तभी तो विराट स्वरूप में अर्जुन को दिखलाया और पूछा कि अर्जुन जरा मेरी भुजाओं को गिनना कितनी है, मेरे पेटों को गिनना, मेरी नेत्रों को गिनना, मेरे मुखों को गिनना। अर्जुन कहता है कैसे गिनूं, इनका तो प्रारंभ मुझे और अंत कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, कहां से प्रारंभ हो रही है और कहां अंत हो रहा है, फिर गिनूं कैसे। भगवान ने अर्जुन को दिखलाया विराट स्वरूप। संन्यास महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम्, इस तत्व को जानने की बड़ी इच्छा है महाबाहो, ये संन्यास क्या है। त्यागश्च च ऋषिकेश पृथक् केशिनी सुदना, और ये त्याग क्या है ऋषिकेश, एक केशी निशोधन, केशी राक्षस के उद्धारक, ये त्याग क्या है और संन्यास क्या है, इन दोनों को अलग अलग पृथक पृथक रूप से मुझे समझाइए। यहाँ से 18वां अध्याय प्रारंभ हुआ अर्जुन के प्रश्न से, और भगवान ने जान लिया कि अर्जुन को एक बात बतलाऊंगा तो ये दूसरा प्रश्न फिर उठाएगा, तीसरा फिर उठाएगा, इसलिए इसके पूरे भ्रम निवारण मैं कर देता हूँ, पूरा ही ज्ञान इसकी झोली में मैं उड़ेल देता हूँ। तो भगवान ने त्याग और संन्यास के बारे में कहा, त्याग और संन्यास में भी रजोगुण सतगुण तमोगुण के भेद बतलाए, यज्ञ दान तप के विषय में कहा, और ये भी कहा कि इनको त्याग लानी चाहिए, यज्ञ दान तप कर्म पावरानी मनीषिणाम, यज्ञ दान तपस्व पावरानी मनीषिणाम, ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले होते हैं, इनको कभी त्याग नहीं चाहिए।
इनको कार्य अपना ड्यूटी अपना धर्म समझ के करते रहना चाहिए। यज्ञ दान तपह कर्म नैचार्यम कार्यम भेद, यज्ञ दान तपह कर्म पावनानि मनीषी नाम, ये बड़े बड़े महाजनों को भी, मनीषी जो महापुरुषों को भी पवित्र करने वाले होते हैं, उनको भी, उन महापुरुषों को भी, महाजनों को भी, जनक ऋषि जैसे, हनुमान जैसे, विभीषण जैसे, वेदव्यास शुभदेव गोस्वामी जैसे, ब्रह्मा जी और शिव शंभु कैलाशपति जैसे दस महाजनों का विशेष वर्णन किया शास्त्रों में, स्वयं शंभु सनकादि इत्यादि दस, नारद विभीषण, इनको भी यज्ञ दान और तप ये नहीं चाहना चाहिए। क्या होगा, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्, इनको तो अपना अपनी ड्यूटी समझ के, अपना कर्तव्य समझ के, अपना धर्म समझ के करना चाहिए। यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणा, ये तो बड़े बड़े मनीषियों को भी ये अर्जुन पवित्र करते हैं, भावना को पवित्र करते हैं। भावना पवित्र होने का एक सारा गेम है, जिसकी भावना पवित्र हो जाए, निर्मल हो जाए, वही भगवान को प्राप्त करता है, वही आनंद को प्राप्त करता है, वही परमानंद को प्राप्त करता है। गंदी भावना वाला कैसे करेगा। तो भगवान यज्ञ दान तप के बारे में बताया और कहा कि इनको कभी जागना नहीं चाहिए, यज्ञ दान और तप। कोई अपनी कमाई को पूर्ण रूप से दान नहीं करता, लेकिन उसका कुछ परसेंटेज दान करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कहती है कि ग्रंथ श्रीमद् भागवत ने कहा है कि अपनी कमाई का 25% दान कर देना चाहिए। और मैंने देखा है यहाँ अमेरिका में कि चर्चों में जो अच्छे लोग हैं अपनी इनकम का 25% चर्च को दान करते हैं। वो जानते हैं कि दान परमात्मा की सेवा में जाता है, सारे विश्व में दवाई के काम आता है, गरीबों के इलाज के काम आता है, गरीबों की को वस्त्र देने के काम आता है, उनके कच्चे पक्के मकानों को ठीक कराने के लिए उनको काम आता है। ये सब भगवान की सेवा है, भगवान के विराट स्वरूप की सेवा है, स्वयं भगवान की सेवा है। भगवान तो सभी जगह ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राज गोविंद सर्व कारण कारण ईश्वर सर्वभूतान अर्जुन तिष्ठति ग्राम्य सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वो ईश्वर तो सब काली मात्र के हृदय में बैठे, वृक्ष में भी, लताओं में भी, चिड़ियों में भी, मछलियों में भी, सिंहों में भी और हिरणों में भी, नरों में भी, बानरों में भी, देवों में भी, किन्नरों में भी, गंधर्वों में भी, कहा नहीं है, वो सर्वत्र है। हरे हमारे हमेशा हरदम हरेक सह में झलक रहे हैं, जो उनको गुलशन में देखा हरेक गुल में महक रहे हैं। प्रत्येक फूल में उन्हीं की खुशबू है उनका। इसलिए हम जब दान करते हैं हमारी यथाशक्ति, ज्यादा नहीं कर सके तो 100 रुपए में से 1 रुपया दान कर सकते, करना चाहिए। कंजूस में उसके नहीं बैठना चाहिए, उससे हमारा दिल दिमाग और धन सड़ता है, बदबू लगती है। इसलिए थोड़ा दान करना चाहिए, चाहे चिड़ियों को चुगा डाल रहे हो, या कुत्तों को रोटी डाल रहे हो, या भूखों को भोजन करा रहे हो, जो महात्माओं को आमंत्रित किया हो भोजन के लिए, या कोई मंदिर बनते हुए मंदिरों में दान दिया हो, या कहीं चर्च गुरुद्वारे मस्जिदों में, या किसी गरीबों की सेवा में, किसी पीड़ितों की सेवा में, किसी बीमारों के लिए, कहीं आपने कुछ अपनी कमाई का कुछ अंश निकाल के सेवा की हो, ये समझते हुए कि सबके अंदर परमात्मा विराजे हुए हैं। जब इन सबके अंदर परमात्मा विराजे हैं तो शरीर परमात्मा के हुए या आपके हमारे या जानवरों के या वृक्षों में, जिन जानवरों में, जिन पक्षों में, जिन मनुष्यों में, भागों में परमात्मा विराजमान है, जिन देवों में, किन्नरों में, गंधर्वों में, तो उनके शरीर परमात्मा के हुए या जहाँ परमात्मा बैठा है वहां पर परमात्मा का ही शरीर हुआ। तो इस शरीर को भी संभाल के रखना, इससे कनेक्टेड सारे परिवार को, रिश्तेदारों को भी, लेकिन विश्व है परिवार एक, पूरा विश्व तो एक ही परिवार है, एक ही बच्चे हैं सब। दान करते रहना चाहिए, यज्ञ करते रहना चाहिए, खिलाने पिलाना हो, जरूरतमंदों को लुटाना, अपने पास ज्यादा है तो यज्ञ करना चाहिए, लुटाना चाहिए, तप करना चाहिए, वायु का तप है, शरीर का तप है, मन का तप है। मन है प्रसाद है सौम्यत्व, मौनम आत्मनिग्रह भाव संशुद्धि इत्येतत् तपो मानसम उच्यते, ये मन का तप है। देव द्विज गुरु प्राग पूजन शोचम आदवम चयत ब्रह्मचर्य अहिंसा चय तपो शारीरम तप उच्यते, शरीर तप है, वाग में तप है, वाणी का तप है, वाणी का तप है। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियतम चय स्वाध्याय व्यसनम चय वागमयम तप उच्यते, तो ये तप करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। फिर भगवान ने आगे कर्म और कर्म का फल भी कहा,
त्यागी हो या सन्यासी हो कभी भी कर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि उनके मन वाणी मनसा वाचा कर्म यानी मन वाणी और शरीर सभी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, और जो कर्म भगवान की सेवा में किए जाते हैं उनका रिएक्शन नहीं आता, उस एक्शन का रिएक्शन नहीं आता। तो हम भगवान की सेवा करते तो उसका कड़ा मीठा फल नहीं आता। वो कर्म अकर्म जिसको कहा है निष्काम कर्म तो भगवान से मिलाता है, वो तो परम फल का दाता है, संसारिक ये क्षणिक सुख और क्षणिक दुखों का नहीं, वो परमानेंट का दाता है, जो परमानेंट है टेंपरेरी नहीं। फिर भगवान ने ज्ञान ये दरिया था के विषय में बात अलग किया, जैसे कर्म कर्म और करते थी करने वाले के विषय में कहा, तो ये ज्ञान कर्म करता ये भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण होते हैं। तो आइए इसी विषय में आपको हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं बातों पर, इन भगवान की वाणी को कुछ सुलझा के बोलते हैं आपको। सुलझाने का मतलब है कि संस्कृत के श्लोक हैं बड़े, सभी तो संस्कृत नहीं जान पाते हैं, लेकिन जिन्होंने स्टडी की है और जो गुरु के चरणों में बैठे हैं उनको कुछ इनका बोध हुआ है, तो मुझको जितना कुछ प्राप्त हुआ है मैं आपको लेना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय में 19वें श्लोक में कहा है, ज्ञानं कर्म कर्ता च गुण वेदता रोचते गुण संख्याने यथावाचणु तान्यपि। ज्ञान कर्म और कर्ता, कर्म को करने वाला, ये इनके साथ में तीनों गुण लग जाते हैं। तो ज्ञान भी तीन गुणों में होता है, किसी के पास सत्वगुण ज्ञान होता है, किसी के पास रजोगुण ज्ञान होता है, और किसी के पास तमोगुण ज्ञान होता है। ऐसी कर्म है, कोई सत्वगुणी कर्म करते हैं, कोई रजोगुणी कर्म करते हैं, कोई तमोगुणी कर्म करते हैं। तो इन कर्मों के अनुसार ही और ज्ञान के अनुसार ही कर्ता का चुनाव हो जाता है। तो किसी कर्ता को चुना जाता है कि सत्वगुणी करता है, किसी को चुना जाता है कि रजोगुणी करता है, किसी को चुना जाता है कि तमोगुणी करता है। इस विषय में भगवान कह रहे हैं, ज्ञानं कर्म कर्ता च गुण वेदता प्रोच्यते गुण संख्याने यथावत् तान्यपि। तो ये जैसा जैसे होते हैं ज्ञान कर्म कर्ता यथा वैसा ही ऐसे आ मुझसे सुनो अर्जुन, श्रोता नहीं उनको सुनिए। सर्वभूते तु एनैकं भावं अव्ययं ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। तो आइए पहले हमें गुणों को समझने, गुण क्या है, तीन गुणों का विशेष करके वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवत। हमको बहुत आंख खोलने वाला ज्ञान देता है, बहुत बड़ा ग्रंथ है, अमर पुराण है। सुखदेव गोस्वामी स्वयं भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार, उन्होंने इसको व्याख्या की है, समझाया है परीक्षित महाराज को, संपूर्ण भारत को। और वेदव्यास जी महाराज भी 24 अवतारों में एक वेदव्यास जी महाराज अवतार है, उन्होंने इसकी रचना की है। और वेदव्यास जी महाराज के गुरु नारद जी, नारद मुनि, ये वेदव्यास जी के गुरु है। नारद मुनि भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, उनकी प्रेरणा से यह अमर पुराण श्रीमद् भागवत लिखा गया है। तो इसमें सृष्टि का जहां वर्णन आता है वहां सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये सृष्टि जब भगवान परमपिता परमेश्वर मूल प्रकृति को शोभित करते हैं, विकार युक्त करते हैं, विकृत करते हैं, तब वो विकार जो प्रकट होता है वो तमोगुण के रूप में प्रकट होता है। वह तमोगुण ही तीन श्रृंखलाओं में शाखाओं में बढ़ जाता है, उसे ही सत्वगुण रजोगुण तमोगुण के नाम से जाना जाता है। और ये तमोगुण रजोगुण सत्वगुण तमाम अनंत ब्रह्मांडों में प्रभावी हो जाता है, ग्रह नक्षत्रों पर भी, प्राणियों पर भी, सर्वत्र इसका प्रभाव रहता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, भागवत कहती है जो पिंड में है, पिंड यानी आपका शरीर, जो आपके शरीर के अंदर है वही ये ब्रह्मांड के अंदर है, यानी ये पूरे ब्रह्मांड का मैं नक्शा आपके शरीर के अंदर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यदि ब्रह्मांड के अंदर तीनों गुण विद्यमान है तो क्यों नहीं आपके आपके अंदर आपके शरीर के अंदर इस पिंड में होंगे, अवश्य है। तमोगुण रजोगुण सत्वगुण हम सबके शरीर में है। जब 24 तत्वों का वर्णन करते हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में किया है, महाभूतानहंकारो बुद्धिरत्यक्तम एव च इंद्रियाय दशैकम च पंचचेन्द्रिय गोचरा इच्छा आगे सुखम दुखम संघात चेतना दति। ऐसे विकार के साथ में जब ये पिंड की क्षेत्र की
विवेचना की है, भगवान ने वर्णन किया है, तभी 24 तत्वों का उल्लेख आया है, जिक्र किया है। तमगुण से पंच सात तत्व महातत्व निकलते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। भगवान कहते हैं महाभूत पंच महाभूतान, ये महाभूत अहंकार, अहंकार अध्यक्ष मूल प्रकृति स्वभाव, बुद्धि मन इंद्रियाणि दस रकम है, मन को मिलाकर के 11 इंद्रियां बोला है, दस रकम है 11, ऐसे 10 इंद्रियों का वर्णन आता है मन को जब अलग कर देते हैं। नहीं, भगवान ने कहा इंद्रियाणि दस रकम है, पंच इंद्रिय गोचरा, और ये पांचों ज्ञानियों के जो तनाएं हैं इनको भी काम किया जाता है, स्पर्श है त्वचा का, त्वचा नाम की इंद्रिय हमारी त्वचा चमड़ी, इसका इसकी तन्मात्रा है स्पर्श, हमारी आंखों की तन्मात्रा है रूप, घसना का रस, गंध नासिका का गंध, कानों का विषय शब्द, ये तन्मात्रा है। महाभूतान अहंकारो बुद्धि अध्यक्तम एव च इंद्रियाणि दशकम से पंच चैन्द्रिय गोचरा, यहाँ पर 24 तत्व हो गए, बाकी सब इच्छा द्वेष सुखम दुखम ये सब संसार को प्रकट करने वाली चीजें हैं, संसार विजिबल होता है इन तत्वों से के मिल जाने से। तत्वों का वर्णन किया है तो इन ये जो 24 तत्व हैं ये तीनों को के आधार से प्रकट होते हैं, हमारे ये पंच महाभूत जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये तत्वों से प्रकट होते हैं, हमारी दसों इंद्रिय रजोगुण से प्रकट होती है, बुद्धि भी मन सतोगुण से प्रकट होता है, इसलिए मन के अंदर कैपेसिटी है भगवान से मिलाने की। मने मनुष्य आप कर्म बंधन मोक्ष, ये मन ही मनुष्यों के अंदर बंधन का कारण बनता है, बांधता है हमको इस संसार में, और मन यदि अपने वश में हो अपने कहने आज्ञा के अनुसार चले तो भगवान से भी मिला सकता है, यदि हमारी इच्छा भगवान से मिलने की हो, इच्छा वे सुख दुख इस संसार के दुख सुखों को त्यागने पर, इच्छाओं को और द्वेषों को त्यागने पर हमको भगवान से मिला सकता है, ये सब प्रभु से प्रकट होता है। तो हमारे शरीर के अंदर तीनों गुण विद्यमान है, लेकिन इन तीनों गुणों में जो प्रबल होता है गुण वो अपना अधिकार जमा लेता है, वो राजा बना लेता है, इसलिए भगवान ने गीता में कहा है कि कभी सतोगुण तमोगुण और रजोगुण को दबा के प्रबल हो जाता है, यही दोनों का शासन करता है, तो आदमी की तरक्की होती है, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थः, फिर हमारी गति ऊंचे लोगों की ओर होती है, नीचे की ओर नहीं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थः मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण प्रतिष्ठा अधोगच्छन्ति तामसः, तामस जो है अधोगति को ले जाता है, मध्य तिष्ठन्ति राजसः, रजोगुण प्रबल है, रजोगुण राज कर रहा है आपके शरीर के अंदर मन बुद्धि में, तो आप मध्य में यानी जहां पर है ये मिडिल प्लानिटरी प्लानिटरी सिस्टम जो है ये पृथ्वी मिडिल प्लानिटरी सिस्टम मध्य में आती है, 14 भुवनों में 7 भुवन ऊपर है 7 नीचे, ये मिडिल प्लानिटरी प्लानिटरी सिस्टम में आती है पृथ्वी, तो पृथ्वी पे बार बार जन्म लेता है, ना नीचे को जाता है ना ऊपर जाता है, यदि रजोगुण में रजोगुण शासन कर रहा है तो मन बुद्धि में शरीर में रजोगुणी कर्म करता है, रजोगुणी बुद्धि है, रजोगुणी मन है, रजोगुणी इंद्रिया है, तो रजोगुणी कर्म करता है, रजोगुणी ज्ञान होगा, रजोगुण प्रबल तो रजोगुण का प्रचार प्रसार होगा। भगवान कहते हैं कभी कभी रजोगुण प्रबल बन जाता है और सतोगुण और तमोगुण को दबा देता है, ये राज करने लगता है, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कभी कभी सतोगुण और रजोगुण को भी तमोगुण दबा देता है और तमोगुण राजा बन जाता है शरीर के अंदर, फिर आदमी की बुद्धि भी तमोगुणी होती है, कर्म भी तमोगुणी होती है, मन भी और इंद्रिया भी तमोगुणी होती है, तो तमोगुणी तमोगुणी ज्ञान प्राप्त करेगा, उसके सारे फंक्शन तमोगुण में होंगे, तो ये मत सोचिए कि तमोगुण रजोगुण आपके शरीर से आउट हो जाएंगे, नहीं वो विद्यमान रहेंगे, वे शासन कौन कर रहा है इन तीनों में से उसका प्रभाव पूरी तरह रहेगा, तो सतोगुणी अगर शासन कर रहा है आपके शरीर में तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्थः, तो आपको ऊंची गति में ले जाएगा, आपको लिप्त करेगा, लेकिन रजोगुण राज कर रहा है तो आपको बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम बार बार किसी न किसी योनि में इस पृथ्वी पर धराधाम पर आना पड़ेगा, जन्म लेंगे भोगने तमोगुण राज्य करता है, जघन्य गुण प्रतिष्ठा, तो ये तमोगुण की वृत्ति जो है जघन्य इसकी इसकी बड़ी पाप कर्म करने की वृत्ति है, तमोगुण की तमोगुण बड़े बड़े पाप करता है,
नीच काम करता है, बुरे काम करता है। तो अधोगत चलते दादा तो ये आपको नीचे नरक लोगों की ओर, नीचे के लोगों की ओर ले जाएगा। जैसे सड़ा मच रहा है यहाँ पर, जैसे कीड़े मकोड़े कुल बुलाते हैं, ऐसे वहां पर प्राणी जो भी होते हैं एक एक दूसरे के ऊपर। संसार श्रेष्ठ है सतगुण, सतगुण आपको संतों से मिलाता है, भक्तों से मिलाता है, शुद्ध शास्त्रों की शरण में ले जाता है, भगवान के चरणों की ओर ले जाता है सतगुण। तो ये हमारे वश में है भगवान की कृपा से कि हम सतगुण का राज चले जाए हमारे मन बुद्धि के और इंद्रियों के ऊपर, या रजोगुण का या तमोगुण का। इस प्रकार से यदि आप समझ सकते हैं तो ये तमोगुण रजोगुण सतगुण को पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। ये हमारे शरीर में है क्योंकि तमोगुण नहीं होगा तो पंच महाभूत जिनसे पूरा ढांचा खड़ा है बना है, ये कैसे खड़ा रहेगा? ये रहेगा, ये रजोगुण नहीं होगा तो इंद्रिया कहां पे आएंगे? ये तो रजोगुण से ऋषि हुई प्राप्त हुई, रजोगुण से बचती है। लेकिन क्या इंद्रियों के अपनी और बुद्धि के और मन के मालिक है? तो ये सन्यासी होते हैं, ये इनको स्वामी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये प्रयास करते हैं अपने अंदर में मन बुद्धि अहंकार को और इंद्रियों को अपने वश में करने के लिए। तो प्रयास करते करते इन पूर्ण सफल हो जाते हैं, इनके वश में आ जाते हैं मन बुद्धि अहंकार इंद्रिया, तब इनको सफलता मिलती है। इसलिए सन्यासी को समाज का गुरु कहा। चतुर्वर्ण मया कृष्ण गुरु कर विभाषा, चार वर्ण आश्रम ये वेदों में इनका बड़ा विस्तार से वर्णन है। इसमें सन्यासी को श्रेष्ठ कहा क्योंकि सन्यासी सतगुण में प्रवेश कर जाता है दीक्षा के दिन ही, और अपने मन बुद्धि अहंकार से उस परमात्मा की सेवा में लग जाता है, और उस परमात्मा की कृपा से सेवा करते करते इसका सारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है मन का, बुद्धि का, अहंकार का, इंद्रियों का। तो इनको दमन करने की आवश्यकता नहीं है, इनका प्यूरिफाई करने की आवश्यकता है इनको। जब प्यूरिफाई हो जाती है तो आप जैसे कहेंगे वैसे ही आपकी कही में रहती है, यानी आपके अंदर में रहती है। आप इनके गुलाम नहीं होते इंद्रियों के, फिर इंद्रियां आपकी गुलाम होती है, आप आत्मा है। इंद्रिया परायणा और इंद्रिय परम मन, भगवान श्री कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कहा है, तैतालीस में श्लोक में, इंद्रिया परायणा और इंद्रिय परम मन, मन तत्व बुद्धि बुद्धे पर तत्व सह। अर्जुन ये इंद्रियों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि डिसीजन देने वाली है, रजोगुण से राज करती है, मन मंत्री है, बुद्धि राजा है, न्याय करता है, डिसीजन देने वाला है, फैसला या निर्णय लेने वाला है। इस बुद्धि से परे तो आत्मा है, और आप तो आत्मा है, आप तो बुद्धि नहीं, मन नहीं, इंद्रिया भी नहीं, ये शरीर है। You are not this body. There are three kinds of body. Glass body, subtle body and causal body. कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। आप ये तीनों शरीर नहीं, इन तीनों से परे आप आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा है। इसका रिलाइजेशन जिस दिन हो जाता है मनुष्य को, उसी दिन भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है। ममेवांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, मने सप्तानि इंद्रियाणि, ये जो छठी इंद्रिय पांच ज्ञान इंद्रिय हमारी, ये जो छठी इंद्रिय मन, इसको भी इंद्रिय कहके पुकारा है कई स्थानों पर। मने सष्टानी इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर सकती, यही प्रकृति की ओर आकर्षित करता है हमको, खींचता है, आइए आइए। जैसे गाइड आपको ले जाता है कहीं भी, और आप तो जानते नहीं, परिचय नहीं आपका, जानता है सिटी के बारे में, उस क्षेत्र के बारे में, तो आपको जगह ले जाता है और आइए देखिए ये महाराजा प्रताप सिंह और ये लाल किला और ये ताजमहल ये औरंगजेब ने जिसने बनाया, तो ये सब गाइड का, तो मन जो है ये संसार की ओर खींचता है आत्मा को, और आत्मा यदि इसके आत्मा बड़ी निर्मल और भोले स्वभाव की है,
इसके बैकअप में आ जाती है और ये जहाँ जाने जाता है पीछे पीछे चलती है। तो आदमी का मन तो जो है फिर मन तो शासन करने लगे कि यहाँ बैठ जाइए और ये देखो रेस्टोरेंट कितना अच्छा है, ओहो इसका भोजन तो बहुत कुछ आई आइए खाइए और ये देखो कितनी सुंदर सुंदर विस्की वाइन ये वो सब ये मन के कर्तव्य है। ये गाइड का काम करता है, गाइड अगर आपका आपको भ्रमित करता हुआ लाभ उठा रहा है तो आपको जरूर उठाने के लिए गाय को अपने चंगुल में रखिए। आप अपनी सोच समझ से कहते हैं कहीं मुझे गलत मार्ग तो नहीं दिखा रहा है, मैं पहले भगवान से दूर हो गया हूँ काफी, कहीं और कहीं दूर तो नहीं दिखा रहा है। ऐसा होता है कभी कभी गांव के प्यासे को और बहका करके एक दूसरा व्यक्ति जंगल में जाता है, ना पानी नहीं क्या क्या है वहां तो समुद्र था नदियां बहरे फल कुछ नहीं डेजर्ट सूखा है। ये मन का कर्तव्य सरकार में फसाना मरे मनुष्य नाम कर्म बंध मोक्ष हो, ये मन ही है मनुष्यों के अंदर, मनुष्य शब्द तो मन से बना, मनु जी जो हुए मनु स्मृति मनु जी महाराज वो भी मन से ही बने, उनका नाम मनु पड़ा है कि मन है उनके पास, और मनुष्य शब्द हमारे लिए जो मिला है ये मन के कारण मिला है। मन एक मनुष्य नाम कर्म बंध मोक्ष हो, यही कर्म कर्मों के बंधन का कारण बन जाता है, हमसे ऐसे ऐसे कर्म करवा देता है कि हम उन कर्मों का जो प्रतिफल यानी रिएक्शन आता है उसके बंधन में बंधे रहते हैं, जबकि पापों से कभी मुक्ति नहीं हो पाती। लेकिन मोक्ष का भी कारण बन जाता है यदि आपके बस में हो, तो बस में कब होगा जब आप सतगुण में स्थिर होंगे। सतगुण में कैसे स्थिर होंगे, किस प्रक्रिया में कैसे ही सतगुण प्रबल हो आपका राज करें आपके मन पर मस्तिष्क पर बुद्धि पर इंद्रियों पर, इसके लिए प्योरिफिकेशन चाहिए। प्योरिफिकेशन जो है पावनता चाहिए, आपकी भावना शुद्ध चाहिए और भावना शुद्ध करने का एकमात्र मार्ग है हरी खाना, यह ध्यान हरि के चरणों का ध्यान हरी खाना। हरे नाम एव केवलम करो नास्तेव 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 गति रहन्यथा। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपनी सत्ता ये श्लोक विशेष करके बार बार दोहराया लोगों के बीच में कि हरी खाना कभी वह इसमें ध्यान से सफलता नहीं मिलेगी, ध्यान होगा नहीं, खान पान बिगड़े हुए हैं, समाज का वातावरण बिगड़ा हुआ है, टीवी टेलीविजन कंप्यूटर टेलीफोन सेल फोन सब आपके बच्चे न जाने क्या क्या डिस्टर्बेंस आपको मिल रहा है, वातावरण क्लाइमेट खराब है, ध्यान करने से आपको सफलता मिलने में बड़ी बाधा उपस्थित हो सकती है। तो बड़े महापुरुषों ने जो कहा है वो हमको करना चाहिए, हरी का नाम, हरी का नाम लेते लेते भगवान का कीर्तन करते कीर्तन है सदैव हरी का कीर्तन करने से ही हमारा हमारी भावना पवित्रता को प्राप्त हो जाती है, और प्योर कॉन्शियसनेस जो हमारी वास्तव में ओरिजिनल दशा है हमारी भावना की वो हमको प्राप्त हो जाती है। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। शुद्ध आहार शुद्धि सत्व शुद्ध आपका आहार शुद्ध होता है, हमारे पास ज्ञान इंद्रियों से हम आहार ग्रहण करते हैं, नासिका से सूंघ करके आहार लेते हैं, एनर्जी प्योर आंखों से देख करके त्वचा से स्पर्श करके कानों से सुन करके और रसना से स्वाद लेकर के, ये पांचों ज्ञान इंद्रियों से ये पांच दरवाजे हैं आहार लेने के। तो जानना यह है कि हम कैसा आहार लेते हैं, क्या हमारा आहार शुद्ध है। शास्त्र कहते हैं जो भी शुद्धता से पकाया हुआ भोजन है उस परमेश्वर को पहले अर्पण करना चाहिए और फिर प्रसाद रूप से उसको खाना चाहिए पूरे परिवार को, इससे हमारी मन बुद्धि पवित्र होते हैं, हमारी भावना पवित्र होती है, हमारा तत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारे पांचों ज्ञान इंद्रियों से रिसीव किए हुए आहार शुद्ध होने चाहिए, तभी हमारा सत्व यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमारे मन में हमारे वश में ये मन बुद्धि अहंकार चित्त के विचार इंद्रियां सब हमारे वश में होती है। तेरे मन कितना ही कहीं थोड़ा वाइन का पैग लगा लो, नहीं पागल तो नहीं हुआ आप ये कहेंगे इसके मन और ये मान जाएगा ओके तो आगे बढ़ो। अच्छा थोड़ा ये देखो क्या आमले बन रही है खुशबू आ रही है खा ले, अरे बेवकूफ आगे शुद्ध भगवान को शाकाहारी भोजन जो शास्त्रों ने सत्व ने सैंक्शन किया है वो ही भोजन करना चाहिए, भगवान को अर्पण करके प्रसाद यानी भगवान की कृपा वो खाना चाहिए, उससे हमारा अंतकरण हमारी पाचक ज्ञान इंद्रियां शुद्ध भोजन ग्रहण करती है। जो इसमें मुख्य रूप से रसना को बताया है, रसना हमारी जीभ स्वाद, इसलिए शास्त्रों ने सभी जगह बाइबल हो पुराण हो
बोधि सत्व हो, महावीर स्वामी हो, अहिंसा परमो धर्म, गौतम बुद्ध हो, अहिंसा परमो धर्म, भगवान राम हो, कृष्ण हो, पत्रम पुष्पम फलम तो ये अप्रोच करते हैं कि शुद्ध शाकाहारी भोजन हमको चाहिए, जो मेरा पत्र है, पत्रम पुष्पम फलम तो यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरतम अश्नामि प्रियतात्मनः, उसका भक्ति भाव देख करके मैं स्वीकार करता हूँ खाना। पत्र पत्ता गोभी हो, पत्र हो चौर चौराई मेथी गाय खाल पत्रम पुष्पम फलम अन्न चावल गेहूँ धान जल भगवान ने कहा कोक कोला मुझे कोई अर्पण करेगा तो मैं पढ़ ले लेता हूँ भाई भक्ति भाव से, या कोई वाइन का पैक या कोई बियर भक्ति भाव से कोई अर्पण करे तो मैं पी लेता हूँ। नहीं, भगवान नहीं पी, वो परम हंस है, परमेश्वर परम शुद्ध अवस्था पर सुप्रीम पावर है, सुप्रीम कॉन्शियस है। अचेतन लोगों का काम है हर कोई हर किसी चीज का भक्षण करना, ऐसे को पीना परमेश्वर का, जिनकी परम शुद्ध अवस्था है मुझे आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप बियर परोसे और पी लेंगे। नहीं, वेद सूत्र है कि आहार शुद्धि सप्त शुद्ध हो, सप्त शुद्धि ध्रुव स्मृति स्मृति लभे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्ष। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसका सप्त यानी अंतःकरण शुद्ध होता है। अंतःकरण कहते हैं मन बुद्धि अहंकार और चित्त के विचारों को एक साथ रख दिया जाता है तो इसकी समष्टि को इसके मिक्सर को अंतःकरण कहा है। मन बुद्धि अहंकार चित्त के विचार ये शुद्ध होते हैं। अहंकार तो 24 तत्वों में एक तत्व है, जहां सतोगुणी अहंकार होता है उस सतोगुणी कर्म करता है, दान पुण्य करता है, भजन करता है, दूसरों का सबका सम्मान करता है। रजोगुणी अहंकार क्या होता है, वो बस एक दूसरे की कटी से लगा रहता है, दूसरों का बुराई करना, दूसरों का बुरा सोचना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, खुद का झंडा लहराना, ये रजोगुणी राजनीति। तमोगुण तमोगुणी अहंकार को किसी को मार देगा, गांव मार रहा है किसी को जहर देगा, बड़ा खतरनाक है, ये तो नरक आनी है। या पिछले जन्म में क्या था, ये स्मृति नहीं। स्मृति यहाँ पर शब्द यूज किया जा रहा है वो है कि वो भगवान को उस सत्य को उस पर सत्य को कभी नहीं बनाता, कभी नहीं चाहता, उस भाई को कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं भूलता, किसी भी हालत में चाहे बीमार हो तकलीफ में हो या महलों में राजभोगों में जहां दाखिया चरण दबाई हो, सुख आनंद में उत्सव में दाव पार्टियों में कहीं भी भगवान नहीं भूलता। ध्रुव अचल अचल स्मृति हो जाती है उसकी, एक पल को भी भगवान को नहीं भूलता। एकमात्र आहार शुद्ध करने से ये स्थिति हो जाती है, हमारी भावना इतनी निर्मल हो जाती है, लेकिन आहार जब बिगड़े हुए होते समाज के अंदर तब आदमी बड़े उपद्रव करता है। आहार जब बिगड़े हुए होते समाज के अंदर तब युद्ध होते हैं, दो पे चलती है, मकान शहर जलते हैं, सत्य शुद्धि ध्रुव स्मृति। जिसको उस हरि की स्मृति उस सच्चे सच्चे मार्ग की याद सदैव ताजा रहती है, सत्य की शरण में रहता है, सत्य नेव जयते, उसके अंदर ताजगी रहती है, वो किसी का अपराध नहीं करना चाहता, किसी का गला नहीं काटना चाहता, किसी का छीन कर खाना नहीं चाहता, किसी को तकलीफ में तड़पते नहीं देखना चाहता। जिस व्यक्ति का आहार शुद्ध होता है उसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसकी भावना शुद्ध होती है, और जिसकी भावना शुद्ध हो जाती है वो कभी उस प्रभु को नहीं भूलता, किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में। स्मृति लब्धे सर्वग्रंथिनां विप्रमोक्षः, हमारे मन मस्तिष्क में 6 भ्रम की गांठ है, ये पवित्रता आने पर अपने आप खुल जाती है। भ्रम की गांठ, मैं मेरे
ये मेरा खजाना है, ये मैं हूँ, ये मेरे परिवार वाले हैं, मैं मेरा पद है, मेरी प्रतिष्ठा है, ये धर्म की गांठ नहीं सुख गया नहीं। चैतन्य महाप्रभु की अवस्था आ जाती है कि मैं उसके दासों का दास हूँ, ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है। कभी किसी पल में भी सोते जाते उठते बैठते खाते पीते नहाते धोते जाते आते कभी भी उस प्रभु को किसी भी स्थिति में चाहे महलों में हो या फुटपाथ पे, चाहे खाने के लिए आ रहा हो या कोई बाहर लेके कोई स्वागत करने आ रहा हो, कभी भी उस प्रभु को किसी भी स्थिति में नहीं बुलाता ये प्राणी, ये जीव आत्मा, तब उसके सारे कर्म की गलतियां अपने आप खुल जाती है, सुलझ जाती है, वह संसार से ही सुलझ जाता है, मुक्त हो जाता है। केवल आर शुद्ध करने से, आर में आर की शुद्धता में इतनी विशेषता है कि पवित्र हो जाते हैं। और आप ये भी मानिए कि आत्मा की भावना जितनी पवित्र होती है उतना ही वो आनंदमय होता है, और जितनी गंदी भावना होती है उतना ही निरानंदमय होता है। ये कभी नहीं भूलना, जब किसी को आप दुखों में तकलीफों में पाए तो जरूर जानना कि कोई पाप कर्म का फल उदय हुआ है, और जब किसी को सच्चे आनंद में पाए तो समझा कि कोई बड़े फूल उदय हुए हैं इस व्यक्ति के सच्चे सुख में। एक खास सुख नहीं, कोई आइसक्रीम खराया, लंबे कार में घूम रहा, लोग उसके चर्चे लोग हुआ कर रहे, बड़े बड़े हार पहना रहे, 100 रुपये 500 रुपये 2 रुपये ना, ये सुख की बात नहीं है, रियल आत्मा सच्चा सुख पवित्र भावना में होता है। पवित्र भावना के साथ ही परमात्मा होते हैं, परमात्मा पाठ करते हैं, की लोटे देवर की लोटे। भावना वाले की मुक्ति हो जाती है, वो वैकुंठ का वासी बन जाता है, इटर्निटी को प्राप्त कर लेता है, उस परमेश्वर के चरणों में चला जाता है। ये ऐसे केवल आहार शुद्ध करे तो ये तो शुद्ध सत्व पहुंच गया एक भाई, प्रारंभ होगा सतगुण से। सतगुण की भी अभिलाषा नहीं है हमारी कि हमारा सतगुण हमारे इंद्रियों पर, मन पर, बुद्धि पर शासन करे। अगर अभिलाषा है कि रजोगुण ही कायम रहे हमारे अंदर, रजोगुण ही राज करे, तो फिर तो हार ही हार है, दुख ही दुख है। रजोगुणी को सुख नहीं कहा भागवत गीता में कहीं, कोई शास्त्र रजोगुणी कभी सुखी नहीं होता। रजोगुणी रजोगुणी हार लेगा और वो दुखों का कारण बनेगा, नेचर के द्वारा सैंक्शन भोजन हम लेते हैं तो ठीक है, आप सही मार्ग पर, दिन ऐसा देखा नहीं जाता। उदाहरण देता हूं, जैसे हाथी है, या गाय भैंस है, बकरी है, ऊंट है, इनको प्रकृति ने सैंक्शन किया है घास खाना, और इनमें भी इनकी विश अलग अलग घास है। बकरी की घास, बकरी अपनी घास को सेलेक्ट करती है, भैंस गाय अपनी, ऊंट अपनी ही, चाहे बबूल के कांटों से पत्ते खाता हो, लेकिन उसका अलग घास है। भैंस का, हाथी का, हिरणों का अलग अलग इनके सेलेक्टेड सैंक्शन्ड बाय नेचर फूड है। सिंह का है, चीते का है, टाइगर का है, कुत्ते बिल्ली का है, इनको उनकी, जैसे बिल्ली को चूहा सबसे श्रेष्ठ लगता है, लेकिन कुत्ते को पसंद नहीं, कुत्ते का भोजन है। बच्चा का अलग है, बच्चा कोई भी सड़े गए को सबको खाने को तैयार है, शेर भी खाएगा सड़े गए, शेर को ताजा मांस चाहिए। तो उस प्रकृति ने शास्त्र, इसका शास्त्र में इंजेक्शन है कि मनुष्य का भोजन शुद्ध शाकाहार है, इस शाकाहारी से ही इसको शुद्ध बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त हो सकती है, श्रेष्ठ मन और आनंद प्राप्त हो सकते हैं, श्रेष्ठ विचार आ सकते हैं, और इसकी आयु सुखपूर्वक लंबी हो सकती है, हजार वर्ष की आयु जीने वाले तपस्वी हुए हैं जिन्होंने अपने आहार को रिफाइन किया है, डे बाई डे फलों को चाह दिया, दूध को चाह दिया, पानी को चाह दिया, हवा को चले गए, तो क्यों नहीं हजार वर्ष जिंदा रहेंगे।
शाकाहारी व्यक्ति निरोगी होता है। मनुष्य का भोजन तो शाकाहार है, फिर अपनी मनमानी वैसे क्या कुछ भी खाए खा रहा है। समाज में वही फैला हुआ है, सब जगह 84 लाख योनियों में कोई भी जानवर नहीं है जो मनुष्य ने नहीं खाया हो ये धरती पर। तो फिर ये शरीर क्या है? आहार का ही स्वरूप है। जो आहार हमने किए है, पैदा हुई माँ का दूध पिया, जो भी खाया पिया, उसका ये डेवलपमेंट है। ये जो 6 फुट का गुब्बारा बना है, ये आहार से ही बना है, करेक्ट। और आहार का जब और अर्थ निकला तो उससे हमारा मन और बुद्धि डेवलप होते हैं। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसी बुद्धि, गुरु नानक देव बोलते सारे शास्त्र। आप अनुभव कीजिए, आपका अनुभवी अनुभवी यही बोले। आपकी जो इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, ये सब क्या है? आपके विचार है, ये सब आहार है। जो आहार का जो असली अर्क है वो आपका मन है, बुद्धि है, विचार है, तर्क है। आहार को शुद्ध कीजिए। आहार शुद्धि कितनी सुंदर, कितनी सच है, कितनी बड़ी देन है हमको परमात्मा की। आहार शुद्धि सत्य शुद्ध, आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुव स्मृति, स्मृति लते सर्वग्रंथिना विप्रमोक्षा। ताकि भावना शुद्ध हो जाए। ये सारा गेम, सारा खेल भावना को शुद्ध करने के लिए है। जितने भी शास्त्र पीर पैगंबर आते हैं, उपदेश करते हैं संत महात्मा, ये आपकी भावना को शुद्ध करने के लिए। तो भावना को शुद्ध करने के लिए और ये शुद्ध मार्ग पर जाने के लिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए, परमेश्वर की प्राप्ति के लिए, आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए, भगवान का बन के रहना चाहिए। दाता दाता दास। जब भी वो इधर से उधर जाते थे यात्रा में, तो कोई पूछते थे आप कौन है, तो कहते मैं दासानु दास, मैं उस परमेश्वर के दासों का दास हूं। यही मेरी जान पहचान है। और जीवन स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये जीव का स्वरूप ही नित्य कृष्ण का दास बन के रहना है। ये यही परिचय है हमारा। लेकिन हम अहम में बन जाते हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, हम प्रधानमंत्री हैं, हम राष्ट्रपति हैं, हम पुलिस कमिश्नर हैं, हम रेफरी हैं, हम नगर सेठ हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम भारत से हैं। ये तो फाल्स आईडी है, रियल आईडी है। आप भगवान के अंश हैं। ममे वांशो पुनः भगवान के अंश, ममे वांशो जीवनों के जीव भूतव सनातन। मन है सत्तानी इंद्रियाई प्रकृति स्थानी कपड़ी। ये मन जो छठी इंद्रिय है, ये प्रकृति की ओर दिन प्रतिदिन खींचता है आदमी को। काम क्रोध मद मोह मत्सर लालच इनमें फंसाता है, और जब फंसते चले जाते हैं जब निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई मार नजर नहीं आता। रजोगुणी को भी धुंधला दिखता है, तमोगुणी तो अंध में, तम नाम ही अंधकार का है, वो तो अंधकार में पटकता है। वो तो अंधकार में जीवन जीना चाहता है, अंधकार में पटकता है। लेकिन कोई जीसस जैसे, महाप्रभु जैसे, श्री प्रभुपाद जैसे, बल्लाचार्य जैसे, महान संत गुरु नानक जैसे, कबीर हरिदास जैसे, मीरा सैन कर्मा दया भाई, महान संतों का संगत मिल जाए किसी आगे तक तो मेरे से निकल सकता है, हो जाने का सकता है। भगवान ने सुखाए अति दुराचारी भी मेरी शरण ले तो वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। कोई वैश्या भी मेरी शरण ले वो भी मुझे प्राप्त कर सकती है। मैं भी जा सकता हूँ। कोई बहुत खोटी बुद्धि का हो वो भी मुझे प्राप्त कर सकता है। ये तो अंधकार है, तो अंधकार से मैं जाने का है सकता है। तब सो बा जो दीर्घमाया, ये तो वेदों के वाक्य है कि हे प्रभु मुझे अंधकार से उजाले में लाओ। कुछ ऐसी जिज्ञासा जगे उस अंध में जीवन जीने वाले के हृदय में, तो जाने मान सकता है। भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं, कोई उसके शुद्ध भक्त को उसके संपर्क में भेज देते हैं, जो उसका उसे प्रकाश दिखाते हैं, ज्ञान प्रकाश, प्रेम प्रकाश, भक्ति का प्रकाश। तो ये मन बुद्धि और इंद्रियां जो हमारे शरीर में ये मंडल है इनका, ये तो एक तरह से नाटक मंडली है। रियल ये नाटक करते हैं हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि। इन नाटककारों के डायरेक्टर बन के आप रहेंगे तो आप भी विजय होगी, और आप भी इनके साथ साथ मिल जाएंगे। या इनमें से कोई डायरेक्टर बनेगा तो आपको तो आपका ये कोई नेतृत्व करेगा, मन करे या बुद्धि करे या कोई इंद्रिया, आपके आपका डायरेक्शन आपको नेतृत्व करे, तो ये आपको गलत जगह ले जाएंगे। नहीं, आप डायरेक्टर बन के रहिए, आप इनके संचालक बन के रहिए, आप इनको चलाइए, आपने कंट्रोल रखिए। एक डायरेक्टर के अंदर में कैसे एक्टर्स हीरो हीरोइन
स्टंट शरीर उसके अंडर होते उसके वश में होते हैं। वो जब तक एक्शन नहीं बोले कोई एक्शन नहीं एक्शन करते हैं उससे पहले डायरेक्ट हो जाता है। और कोई हीरो गलत करता है तो उसको स्टॉप 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 वन एंड थ्री समथिंग ऐसे ही मन को दौड़ेगा रोके अटैक बुद्धि गलत विचार नहीं गलत डिसीजन नहीं इसको जाके कि क्या ये सब सही था सही डिसीजन ले रही लेकिन मेरा भी कथन है कि कुछ बोलो आप लोग इंद्रियाणि पराया इंद्रियेभ्य परम मन मन तस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः इंद्रियों से परे मन है मन से भी परे बुद्धि है और बुद्धि से परे आत्मा आत्मा वी आर नॉट दिस बॉडी Neither grass body nor subtle body nor body body. We all are spirits of part and parcel of Supreme Lord. You may call Krishna, you may call Govinda, you may call Allah, you may call whatever. Ek bahuna, un ek ko hi bahut naam se jana hai. Koi bhi naam bhai. Isme janak kaisi? Isme ek dusre ke upar krodh kaisa? कि मैं तो अल्लाह बोलता हूँ अल्लाह क्यों नहीं बोलता ये राम क्यों बोलता है ये किसम क्यों बोलता है ये बुद्धि क्यों बोलता है उस एक का ही नाम है एक ही प्रभु का एक अपना वो एक ही अनेकों अनंत पतियों पर अनंत भाषाओं में अनंत भक्तों में अनंत नामों से उस एक को ही तो पुकारा है। मस्जिद में जो घुटने टेक के नमाज पढ़ता है आदमी वो एक को ही तो पढ़ता है चाहे वो अल्लाह के पढ़े रहमान के पढ़े रहे के पढ़े उसको प्रणाम कर रहा है चाहे वो कैसा भी है बुरा है भला है कैसा भी उसको प्रणाम कर रहा है। और उसको जो मस्जिद है वो उसी का घर है और मंदिर है वो उसी का घर है और चर्च है वो उसी एक का घर है और मॉनेस्ट्री है वो एक का ही घर है। लेकिन नहीं रजो अपने पद पाओ पाने के लिए इन पर भी हमले करता है आक्रमण करता है तोड़ फोड़ करता है फूट मारता है दूसरे को हजार लाख करोड़ नहीं पड़ गया था देखना पीछे जो इसके सुना है कि 10 मिलियन जो इस खत्म किए थे तो ऐसे क्या रहा है जी और ऐसा क्यों होता है वो बुद्धि के रहा तो अपनी ये बुद्धि को जो बुद्धि है को बुद्धि है ये मन को इंद्रियों को अपने वश में करके रखना चाहिए। इसलिए सन्यासी प्रयास करता है और एक दिन सफल होता है इसलिए सन्यासी